नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद है आज और हाई अलर्ट पर आरपीएफ और जीआरपीएफ। तो बता दें कि हिंसक घटनाओं के बाद जो सतर्कता है वो बढ़ती जा रही है। उपद्रवियों के खिलाफ सख्ती से निपटने के आदेश है। बवालियों पर संगीन धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर। हर गतिविधि की सतर्कता पूर्व निगरानी होगी। डिजिटल साक्ष्य जुटाएगा पुलिस प्रशासन। कैमरा और सीसीटीवी से डिजिटल साक्ष्य जुटाए जाएंगे। संवेदनशील रेलवे स्टेशनों का दौरा करेंगे अधिकारी और शरारती तत्वों पर होगी पुलिस की पैनी नजर। तो हर घटना के अलग अलग केस दर्ज होंगे। अनुभवी अधिकारी मामले की जांच करेंगे। तो बता दें कि आज कुछ संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। इसको लेकर आरपीएफ और जीआरपी पूरी तरीके से अलर्ट पर है। हालिया हिंसक घटनाओं के बाद आरपीएफ और जीआरपी काफ़ी सतर्कता बरतती नजर आ रही है। तो लिहाजा आरपीएफ के सीनियर ऑफिसर्स ने हिंसा करने वाले प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने के यहाँ पर निर्देश दिए हैं और साथ ही चप्पे चप्पर पर पुलिस की पैनी निगरानी। और अब जौनपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। शाहगंज कोतवाली पुलिस की कार्रवाई। अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन पर खुलासा। व्हाट्सएप ग्रुप से युवाओं को उकसाया गया था। पुलिस ने ग्रुप एडमिन समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर पुलिस की पैनी नजर। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने की हो रही निगरानी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे, तो व्हाट्सएप ग्रुप से युवाओं को उकसाया गया था और इसी के तहत अब कार्रवाई आगे बढ़ते हुए जौनपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे कार्रवाई को लेकर। तो शाहगंज कोतवाली पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की। अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन पर यह बड़ा खुलासा कि व्हाट्सएप ग्रुप से युवाओं को उकसाया गया था। पुलिस ने ग्रुप एडमिन समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है और एक एक कर जो गिरफ्तारियों को अंजाम दिया जा रहा है। तो सोशल मीडिया का एक बड़ा रोल जो है वो हिंसक प्रदर्शन पर कहीं ना कहीं माना जा रहा है और अब उसी के तहत कार्रवाई आगे बढ़ती हुई तो जौनपुर में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो बता दें कि सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वालों की जो निगरानी है वो लगातार पुलिस की तरफ से जारी है। तो भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर पुलिस की पैनी नजर। लगातार गिरफ्तारियों को अंजाम इसी के तहत दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वालों की निगरानी की जा रही। संवाददाता दीपक का रुख कर लेते हैं। जौनपुर से हमारे संवाददाता दीपक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। दीपक, सोशल मीडिया की एक अहम भूमिका इस हिंसक प्रदर्शन में और अब उसी के तहत कार्रवाई आगे बढ़ते हुए 3 लोग हिरासत पे पुलिस के। आपको पूरा मामला जनपद के शाहगंज और सिकरारा और बदलापुर के राकत में ग्रुप इंडियन आर्मी के नाम से ग्रुप बनाकर लोगों को भड़काया जा रहा है, जिसमें से 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, बाकी अन्य की तलाश है। आज एक मैसेज पुलिस द्वारा जारी किया गया जिसमें उसी ग्रुप में एक मैसेज डाला गया कि जो आज 20 तारीख को बनारस में हम लोगों को हंगामा करना है उसको लेकर हम माफी मांग रहे हैं, इस तरह का कृत्य नहीं करेंगे। इस तरह की लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है, जिस पर पुलिस लगातार काम कर रही है, लगातार धरपकड़ कर रही है। करीब 5 लोगों को कल गिरफ्तार किया है जो सोशल मीडिया पे लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। जी, उसी क्रम में जनपद के सागर कोतवाली में भी कल आपत्तिजनक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली गई जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पूरा अभी तक 8 लोगों को सोशल मीडिया पर इस तरह भड़काऊ पोस्ट डालने के लिए गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस सारे मामले की जाँच कर रही है। जी बिल्कुल, लगातार जो है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने की भ्रम जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश और उसी के तहत अब कार्रवाई भी जारी है। जो शाहगंज में 3 गिरफ्तारी हुई है उसमें ग्रुप एडमिन भी शामिल है। तो इन 3 लोगों से किस तरह की पूछताछ, क्योंकि इससे पहले जो गिरफ्तारी हुई राजनीतिक एंगल भी यहाँ पर देखने को मिला था। जी, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं राजनीतिक अंदर मिलता जा रहा है, जैसे पुलिस इस मामले में खंगालेगी, कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण और राजनीतिक तार जुड़े हुए सामने आएंगे। यही नहीं, जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्रों में ग्रुप व्हाट्सएप की अहम भूमिका रही है, जिसमें जनपद के बदलापुर में भी व्हाट्सएप भूमिका रही, जिसमें कसम दिलाई गई है कि आपको इस मौके आना है और जो अग्निपथ का जो विरोध करना है उसमें उसको लेकर तोड़फोड़ करनी है। उसके बाद केराकत में इसी तरह का मामला है जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों का भड़काने का काम किया जा रहा है, और ऐसे ही सागरन का मतलब अलग अलग थाना क्षेत्रों में सोशल मीडिया का प्रयोग करके युवाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है। कार्रवाई जारी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदर्शन पर ये अग्निपथ योजना के विरोध में जो प्रदर्शन हुआ उस पर बड़ा खुलासा हुआ है और अब कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है।